अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि पांच मेन कॉजेज क्या है जिसकी वजह से कैटरक्ट डेवलप होता है। मेरा नाम डॉक्टर नबील इकबाल है, मैं आई सर्जन हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक है कि पांच मेन कॉजेज क्या हैं जो कैटरक्ट डेवलप करने में अहम रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैटरक्ट होता क्या है। ये हमारे आई की स्ट्रक्चर है और ये जो पोर्शन होता है जहाँ पे हमारा नेचुरल लेंस होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, और अगर इसमें कोई भी धुंधलापन आ जाए तो उसे हम कैटरक्ट कहते हैं। ये आमतौर पर इस तरह का होता है, जब हमारा कैटरक्ट बन जाता है तो ये इस तरह से हो जाता है जिसके अंदर से लाइट पास नहीं कर सकती और वो पीछे पर्दे तक पहुंचती नहीं है, तो जो भी इमेज होता है वो पर्दे तक पहुंचता नहीं है और फिर वो हमें नज़र नहीं आता। तो इसके धुंधला होने की पांच मेन जो रीज़न है, सबसे जो मोस्ट कॉमन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एज रिलेटेड। मतलब जैसे एज बढ़ती है तो इसके अंदर सेल्स की कॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाती है, जो ये सेमी लिक्विड होता है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से लाइट गुजरना बंद हो जाती है और ब्लर विजन की कंप्लेन आती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। एज रिलेटेड मोस्ट कॉमन है, ओल्ड एज में होता है मोस्टली, आफ्टर 50 इयर्स ये डेवलप होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों में बिफोर 40 भी आ जाता है या आफ्टर 40 भी शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा जो हमारी दूसरी है वो ट्रॉमा, अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो और उसकी वजह से इस लेंस को डैमेज आता है तो ये अपनी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर लेता है और उसी तरह से धुंधला हो जाता है। तीसरी रीज़न है अगर कोई स्टीरॉयड इनटेक बहुत ज़्यादा है, स्टीरॉयड इन एनी फॉर्म, अगर तो बहुत सारी बीमारियों की वजह से जैसे जॉइंट पेन वगैरह की वजह से उन्हें स्टीरॉयड लेने पड़ जाते हैं, या फिर कुछ को एस्थमा का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए उनको स्टीरॉयड इनटेक करने पड़ते हैं, तो फिर उसकी वजह से भी ये कैटरक्ट जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाता है और ये धुंधला होने लग जाता है। इसके अलावा जो यूवी लाइट एक्सपोजर है अगर वो ज़्यादा हो तो उसकी वजह से कैटरक्ट जल्दी फॉर्मेशन हो जाती है और यही इसी तरह से ब्लर विजन की कंप्लेन आ जाती है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें अर्ली कैटरक्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि शुगर की वजह से उनकी आंखों में चेंजेस आते हैं, जिस तरह पूरी बॉडी में आती हैं इस तरह आँखें पर्दे में भी प्रॉब्लम आती है और तो मोतिया का भी प्रॉब्लम उन्हें जल्दी हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं कंजेनिटल डिजीज़ होती हैं, मतलब बच्चों की बीमारी होती है जो पैदाइश में ही उनको मोतिया बनना डेवलप हो चुका होता है। कैटरक्ट का वाहिद जो उसकी सोल्यूशन वो यही है कि कैटरक्ट सर्जरी होनी चाहिए, जो लेटेस्ट सर्जरी है उसमें फेको के ज़रिए, मतलब जिसको आम जुबान में लेज़र सर्जरी कहते हैं, उसके ज़रिए इसको मोती को निकालते हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर देते हैं और विजन रिस्टोर हो जाती है। मज़ीद आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं या फिर मरहम के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।